Morning, friends. This got my chain lubed. पिछली बार बारिश में बाइक चलाई थी तो चेन ल्यूब कराना ज़रूरी है. रीज़न सिंपल सी बात है कि बारिश में चेन की बैंड बच जाती है. सो इट इज़ बेटर यू गेट योर चेन ल्यूब बिफोर यू राइड नेक्स्ट. या सो गुड मॉर्निंग पीपल, आई एम कार्तिक. सो दिस इज माई सेकेंड वीडियो आई गेस. या पहली बार है, रिकॉर्ड हो रहा है, होपफुली रिकॉर्ड हो रहा हो. तो आज का क्या काम है, आज मेरे को गाजियाबाद जा रहा है, थोड़ा काम है उस पर. देन वील गो टू करोल बाग. मेरे इस कलकैंडी का मफिल निकल रहा है या उसको वो कहे कुशन निकल रहा है, तो आई हैव टू गेट इट चेक्ड. बाकी हाईवे मिलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट. कूल, चलो मिलते हैं, बाय. On Shankar Road, going towards Karol Bagh or CB, you can say. मैं बीच से मर जाऊंगा. So yes, let's talk about motovlogging. Why did I start? यार मैं 4 साल से ride कर रहा हूँ. मैं 4 साल में मतलब everyone used to say कि तू vlogging क्यों नहीं करता, तू तुझे करना चाहिए. You have done a lot of shitty things. You have done a lot of scary things. तुझे vlogging करनी चाहिए. तो आई यूज़ टू से नो यार, मैं वर्किंग प्रोफेशनल, मुझे वीक डेज में टाइम मिलता नहीं है. 7-8 बजे घर आता हूँ एंड नहीं हो पाएगा. सो वन डे आई वॉज राइडिंग टू भीमताल. सो दैट मेरे से कार जो मेरे को फॉलो कर रहा था फ्रॉम पास 15 or 10 minutes एंड ही वॉज देन आई नोटिस दैट ही वॉज रिकॉर्डिंग मी. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. लोगों को अच्छा लगता है व्हेन पीपल राइड एंड गेट अप होके पूरा लगेज लेके, तो बाइक तो अलग ही लेवल पे लगती है, बहुत बहुत सेक्सी. तो ही वाज रिकॉर्डिंग मी. सडनली वो मेरे पैरेलल आया एंड ही सेड कि सर जी आपका कोई यूट्यूब चैनल है? मैंने बोला नहीं, मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं तो बस नॉर्मल राइड कर रहा हूँ. तो उसने बोला नहीं सर, आपकी बाइक बहुत सुंदर है, यू शुड डू इट. मैंने बोला ठीक है, मैं बोल रहा हूँ. मैंने इग्नोर करा, मैं आगे बढ़ गया. बिकॉज आई वाज अ टाइट शेड्यूल, रात का टाइम था, शाम का टाइम था. हाँ, यूज नीड टू रीड काशीपुर टू माई फ्रेंड प्लेस एंड आई मूव्ड ऑन. देन ऑन द सेम ट्रिप अ फ्रेंड ऑफ माइन सनी, ही स्टार्टेड सेइंग कि भाई तो क्यों नहीं करता. मैंने बोला टाइम नहीं है. वी जो द सेम लेम एक्सक्यूज दैट पीपल गिव और वर्किंग प्रोफेशन गिव कि भाई टाइम नहीं मिलता. तो ठीक है, उसने बोला यार देख क्या कुछ नहीं करना, वीडियो तो बनाना है, तू राइड कर रहा है बस वीडियो बना और आगे बढ़. मैंने बोला ठीक है, उस समय जवाब नहीं आया. तो फाइनली एट लाइक अराउंड 3 months or 4 months बैक, अचानक से क्या चुल मची, क्या दिमाग खराब हुआ पता नहीं. हम लोग राइडर्स को ऐसे भी चुल मचती है, हम लोग उठते हैं गो ऑन, हमें नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं, बट हम निकल जाते हैं. रात के 3 बजे यूज़ टू कॉल माय फ्रेंड एंड तो चल रहा है, बोला हाँ चल रहे. सो वी यूज़ टू गो लाइक दिस. तो वही चल मची. देन आई स्टार्टेड वीडियो, यूट्यूब का सारा वीडियो देखना, सब कुछ चेक करना कि क्या होता है वो ब्लॉगिंग के लिए, क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, कैसे होता है, हाउ डू दे डू इट. आई एटलीस्ट अ मंथ आई रिसर्च अलॉट. I research like I used to watch videos for like I used to start at like 9 PM and I used to end up at like around 1 AM and I used to watch all the vlogging videos on what do you need and what do you not need. So it took me a month to research about it. Then I searched for the camera, which is the best camera, what kind of accessories do you need and क्या क्या चाहिए उसके साथ, कितना खर्चा आएगा. ऑब्वियसली यार सर्विस क्लास बनता है, बजट तो चाहिए, बजट बनाना पड़ता है, कैसे होगा, सेविंग्स है नहीं है, सब कुछ करना पड़ता है कैलकुलेट. ठीक है, आई एम अ वेरी कैलकुलेटिव पर्सन, तो मुझे हर चीज कैलकुलेट करके चलना पड़ता है. तो यार इट टुक मी मंथ. मैंने 1 महीना सारा सर्च मारा, वीडियो देखी, कौन सा कैमरा अच्छा है, शुड आई यूज का कैमरा, आई शुड यूज अ फोन, बहुत रिसर्च करा. फिर एंडेड अप बाइंग ऑस्मो, DJI ऑस्मो, ऑलमोस्ट 3 weeks बैक. तो 3 weeks बैक जब मैंने खरीदा था तो एक DJI ऑस्मो लिया, उसके सारे एक्सेसरीज लिए,
अभी तो खरीदा है पहला वीडियो, मतलब माइक स्टार्ट करा है। लास्ट वीडियो में बारिश बहुत ज़्यादा तेज थी तो उस समय मैंने माइक नहीं लगाया, बिकॉज वंस यू पुट अ माइक यू नीड टू पुट अ अडाप्टर, उसके बाद यू हैव टू रिमूव द वाटरप्रूफ केसिंग। वंस यू रिमूव द वाटरप्रूफ केसिंग आपका कैमरा वाटरप्रूफ नहीं रह जाता है। एंड दैट मोमेंट एट दैट डे बारिश बहुत तेज थी, बहुत ज़्यादा तेज थी, कैमरे में तो दिख ना रहा हो, बट भाई साहब लग गई थी यार, बहुत ज़्यादा लग गई थी। हम मैं दोस्त तेजस हम लोग जिस जगह जा रहे थे भाई साहब, जब तक पहुंचे तब तक कहाँ कहाँ पानी नहीं गया यार, कहाँ कहाँ पानी नहीं गया, बहुत बुरी हालत है। तो इसलिए मैंने पिछली बार वीडियो नहीं यूज करी, दूसरी बात अगर मुँह खोलता तो पूरा पानी भर जाता, तो इसलिए मैंने उस समय यूज नहीं करा माइक। राइट नाउ आई एम यूजिंग अ माइक, होपफुली इट इज रिकॉर्डिंग एंड आवर ऑडियो इज गुड। Let's check it. भाई व्लॉगिंग करना स्टार्ट करा है तो भाई टेस्ट एंड ट्रायल चलता रहेगा, हिट एंड ट्रायल चलता रहेगा। तो लेट्स सी, होपफुली वीडियो अच्छी बन रही है, ऑडियो अच्छा बन रहा हो। तो भाई वही बात 16 हो रहे हैं, मेरा काम नहीं हो पाया, मुझे नहीं मिल पाया सर्विस सेंटर पूरा करोड़ बार छोड़ने के बाद, ऑलमोस्ट 1-2 घंटे घूमने फिरने के बाद, इवन राजेंद्र प्लेस जाने के बाद भी मुझे नहीं मिला है। तो नेक्स्ट वीकेंड अब देखते हैं कहाँ पर सर्विस सेंटर पहले कॉल करके फिर जाएंगे। अभी बैंडेज भी बड़ी है, थक चुका हूँ लिटरली गंदा वाला। अब सोच रहा हूँ कहीं जाके बैठूँ थोड़ी देर। इफ यू गुड कॉफी देन यू शुड ट्राई ब्लू टोकाई, अदरवाइज ये एरिया मुझे बड़ा पसंद है यार। सामने डियर पार्क है, ये पूरा का पूरा डियर पार्क है। इफ यू गो टू द अदर साइड देयर इज अ हॉर्स कास, यू कैन डायरेक्टली वॉक फ्रॉम दिस प्लेस एंड यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू द पार्क एंड यू विल एंड अप इन हॉर्स कास, इट्स नॉट दैट फार फ्रॉम योर। अदरवाइज फ्रॉम द रोड it will take you, you have to take a whole roundabout of the park and reach Huskas. अभी थोड़ा मौसम बेटर हुआ है, नहीं तो दोपहर को हो गई थी गर्मी और हो गए थे, मतलब पूछो मत यार, गर्मी में पता नहीं क्या ही होता है, डिहाइड्रेशन अलग से और भाई गर्मी अलग ही लग रही थी, चकराने लगा है सर। तो अभी थोड़ा चिल मानेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे एसी में, कॉफ़ी पियेंगे, हैव सम रिलैक्स टाइम, बिकॉज यार वीकेंड है यार, वीकेंड में अगर तुम चल नहीं मारोगे तो कब मारोगे, कुछ तो अपने लिए करना चाहिए ना थोड़ा बहुत। बस यहाँ से लेफ्ट टर्न एंड देन देर टू प्लेसेस एक्चुअली आई लव अबाउट दिस एरिया, फर्स्ट इज द जैज़ क्लब, आई ऑलवेज एंड अप एवरी वीकेंड गोइंग देयर and then the blue tokai, it is like the place I like to hang out and chill and relax and think about things that goes on in my mind. So yeah, थैंक यू। सो आई हैव डन विद माय कॉफी, आई एम गोइंग हेडिंग बैक होम। आज का दिन बहुत टायरिंग था, मैं थक चुका हूँ लिटरली। आई हैव रिव्यूड ऑल द वीडियोज दैट आई हैव डन टुडे। एक्सपोजर लाइट का बहुत ज़्यादा है तो वाइट वाइट हो गई है, लेट्स डू द एडिटिंग पार्ट, पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, लेट्स सी क्या होता है फिर। अभी के लिए घर जा रहे हैं, कोई प्लान नहीं है मेरा, सैटरडे इज डन फॉर मी। वेरी टायरिंग डे, पता नहीं क्या हुआ आज, गर्मी की वजह से हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है, डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, बट राइट नाउ आई नीड जस्ट नीड माय बेड, थोड़ा आराम थोड़ा रेस्ट, लेट्स कॉल द डे ऑफ। आगे भी वीडियो डालूंगा मैं, हर हफ्ते का टारगेट है कि एक वीडियो डालनी है, फॉर नाउ जस्ट फॉर द बिगनिंग आई वर्क ऑन अ टारगेट बेस, तो टारगेट यही है कि हर वीकेंड पे एक कंटेंट बनाना है एंड उसको अपलोड करना है इन द होल वीकेंड अपना काम करके, एंड देन टिल मंडे और मे बी ट्यूजडे आई विल अपलोड अ वीडियो। सो विश मी लक, वी स्टार्ट करा है, श्री गणेश आय नमः करते हैं एंड स्टार्ट व्लॉगिंग। यार क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है ब्रो, मीट यू एट द नेक्स्ट वीक नया कंटेंट के साथ।
एंड बाय, गुड नाइट।